बांग्लादेश यू वी लव यू। मैं पहले जाऊंगी बांग्लादेश। क्यों बांग्लादेश? क्यों? मैं बांग्लादेश को एक्सप्लोर करूंगी, हमें सेम एनवायरनमेंट मिल जाएगा। थोड़ा कल्चरली डिफरेंस है, वो तो ऑब्वियसली वो बंगाली है, सारी बातें सब अल्लाह को मानते हैं, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हमारे हिस्सा है ना, हमसे अलग नहीं हुआ, सिर्फ एक नाम अलग है। बांग्लादेश को पैगाम देना चाहते हैं, दिल से लव करते हैं, नफरत ना फैलाएं, ठीक है? मोहब्बत है आपके साथ भी, आप हमसे जुदा हुए हुए हिस्से हैं सारे, तो एक दूसरे से मिलकर रहें। आप भी बांग्लादेश के लोगों जैसा हो जाएं, उन जैसा अच्छा सलूक करें। व्हाट्सअप गाइज, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनेद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनेद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, पाकिस्तानी गो टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तानियों को अगर बांग्लादेश और हिंदुस्तान का वीज़ा दिया जाए तो पाकिस्तानी कहाँ जाना पसंद करेंगे, बांग्लादेश या हिंदुस्तान? आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं जी। हैवी Go. अगर आपको इन दोनों कंट्रीज के वीजे दिए जाए तो आप कौन सी कंट्री में पहले जाएंगे? बांग्लादेश। क्यों? मैं बांग्लादेश को एक्सप्लोर करूंगी, हमें सेम एनवायरनमेंट मिल जाएगा। थोड़ा कल्चरली डिफरेंस है, वो तो ऑब्वियसली वो बंगाली है, सारी बातें सब अल्लाह को मानते हैं, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हमारे हिस्सा है ना, हमसे अलग नहीं हुआ, सिर्फ एक नाम अलग है। बांग्लादेश में जाता तो मैं बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से मिलना पसंद करता है। मछली चावल इस टाइप का कुछ है तो मैं वो जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि उसकी तो धूमे मची हुई है ना। बांग्लादेश यू वी लव यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिजी योर होस्ट तैबावान एंड यू आर वाचिंग रियल क्रिएशंस। तो जी व्यूअर्स, मैं लिबर्टी मार्केट मौजूद हूँ, मेरे हाथ में भारत और बांग्लादेश का फ्लैग है। आज हम अपनी पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे कि अगर आपको भारत और बांग्लादेश का वीज़ा दे दिया जाए तो आप कौन सी कंट्री में विजिट करेंगे और वहाँ जाकर सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? नताशा। नताशा, मेरे हाथ में दो फ्लैग्स, आप गेस कर सकते हैं कौन सी कंट्रीज के? बिल्कुल, ये इंडिया के और ये बांग्लादेश का। अगर आपको इन दोनों कंट्रीज के वीज़ा दिए जाए तो आप कौन सी कंट्री में पहले जाएंगे? बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि ये हमारे हिस्सा है ना, हमसे अलग नहीं हुआ, सिर्फ एक नाम अलग है पाकिस्तान का हिस्सा ही, हमारे हिस्सा ये हमारा हिस्सा ही है। वहाँ जाके आप क्या करने वाली हैं? मैं उधर के लोगों से बातचीत करूँगी, उनके कल्चर को देखूंगी कि हम में और उनमें अभी तक भी सिमिलैरिटीज हैं या वो लोग बदल गए हैं। वो लोग बदल गए हैं। और वहाँ के फूड में जाके सबसे पहले क्या खाने वाली हैं? इनकी कोई डिश है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन मछली चावल इस टाइप का कुछ है तो मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि उसकी तो धूमें मची हुई है ना। अगर इन दोनों कंट्री के वीज़ा आपको दिया जाए तो आप कौन सी कंट्री में पहले जाना चाहेंगे? बांग्लादेश। क्यों यार? उधर वैसे पहली बात मुसलमान कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, मुसलमान है, ठीक है, और दूसरी उनकी स्ट्रीट फूड्स बड़ी पसंद है मुझे। अच्छा, पहले कभी गए हैं या उनके फूड्स ट्राई किए? नहीं, लेकिन वीडियोस वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया का दौर आप पानी होता होगा। हाँ, आते हो, पता नहीं बेल पूरी, पता नहीं कौन कौन सी पूरी है उनकी, बड़ी लैविश है। ऊपर से हमें उसका फार्मिंग का भी बड़ा शौक है, तो उधर मैंने देखा कि काफ़ी वाफर मकदार में हैवी हैवी स्पीशीज होती हैं। तो मैं पहले जाऊंगी बांग्लादेश। क्यों? बिकॉज बांग्लादेश जैसे इंडिया हमारे साथ वो एक मुखालफत करता है, बांग्लादेश वैसे नहीं करता, वहाँ के लोग अच्छे हैं और वहाँ जाएँ अच्छे से वेलकम होता है, तो इंडिया में मेरे ख्याल से थोड़ी सी मुखालफत होती है, तो वो दुश्मनी और ये सब कुछ। बांग्लादेश जाते ही सबसे पहले क्या करने वाली है? मैं बांग्लादेश को एक्सप्लोर करूंगी, बिकॉज सुना है कि वहाँ बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, तो मैं वहाँ जाके एक्सप्लोर करना चाहूँगी बांग्लादेश को। बांग्लादेश में भी चले जाएंगे, बिकॉज बांग्लादेश में ये है कि हमारे भाई हैं, ठीक है, और हमें सेम एनवायरनमेंट मिल जाएगा। थोड़ा कल्चरली डिफरेंस है, वो तो ऑब्वियसली वो बंगाली हैं, लेकिन ये है कि चलो आपको ज़ाहरी बातें सब अल्लाह को मानते हैं, तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन इंडिया में भी बहुत मुस्लिम्स हैं और इंडिया में भी हम जा सकते हैं, और देखा जाए तो इंडिया में ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा दर्स है, वहाँ के जो लोग हैं वो इंसानियत उनमें दिखती है और वो सब आपस में ज़रा मिलनसार हैं। ये सिर्फ रूमर्स होते हैं, अगर आप पाकिस्तान के सिटीजन्स की तरफ जाएँ वो भी इतने हार्श नहीं हैं और इंडियंस भी इतने हार्श नहीं हैं, तो मैं दोनों तरफ जाना चाहूँगी। मेरे हाथ में दो पिक्चर्स हैं, गेस कर सकते हैं कौन सी कंट्री के फ्लैग्स हैं? बिल्कुल, मैं जानता हूँ, एक इंडिया की और एक बांग्लादेश की है। बांग्लादेश, अगर आपको इन दोनों के वीज़ा दिए जाए दोनों कंट्रीज के, तो कौन सी कंट्री में जाना चाहेंगे? मैं तो बांग्लादेश जाना पसंद करूँ। क्यों? क्योंकि उधर के लोग मैंने सुना है कि ज़्यादा अच्छे हैं, और उधर जो है ना हरियाली भी ज़्यादा है और मुसलमान भी ज़्यादा है, और ये है कि वो पाकिस्तान से अलग हुआ है, तो यही सुना था कि बांग्लादेशी जो है ना वो काफ़ी मेहनत कश होते हैं लोग, प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, चाहत देने वाले हैं, इस वजह से। मेरे हाथ में दो पिक्चर्स हैं, आप गेस कर सकते हैं कौन सी कंट्री के फ्लैग्स हैं? एक बांग्लादेश और एक इंडिया की, ये दो कंट्री के फ्लैग है आपके पास। अगर आपको इन दोनों के वीज़ा दे दिए जाए तो कौन सी कंट्री में जाना चाहेंगे?
वैसे तो मैं दोनों मुल्कों में जाना चाहता हूँ क्योंकि दोनों मुल्क ठीक है। अगर आप बांग्लादेश आते तो बांग्लादेश जाते हैं आप क्या करने वाले हैं? बांग्लादेश में जाता तो मैं बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से मिलना पसंद करता हूँ। साकिब उल हसन ये ऐसे लोग हैं जो मोहम्मदुल्ला ये लोग उनकी जो क्रिकेट टीम है उनके साथ ख्वाहिश है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के साथ मिलूंगा क्योंकि वो काफ़ी ऑनेस्ट लोग होते हैं बांग्लादेश के भी तो इसलिए अच्छे लोग हैं। वो हमारा ही हिस्सा है एक तकरीबन पाकिस्तान का हिस्सा था जो पाकिस्तान से अलग हुआ है तो उनसे भी ख्वाहिश है दोनों मुल्कों में जाना पसंद करूँगा इंशाल्लाह अगर कभी इत्तेफाक हुआ तो। क्रिकेटर शाकिब उल हसन उनको ठंडा करना है मैंने कि यार इतना गुस्सा क्यों करता है मैच के दौरान टोपियाँ फेंक देता है विकेटों को बॉल मारता है बैरों को कूट देता है पूरी टीम लेके बाहर चला जाता है। उसको मैंने पूछना कि यार होया कि ये तेरे नाल उससे जाके मिलना चाहता हूँ स्पेशल। बांग्लादेश देखे सेपरेशन कब तक उनके दिल में ना एक ग्रज है कि उन्हें लगता है कि हम लोगों के साथ ज्यादती हुई है या फिर उन्हें लगता है कि ये हमने किया था वही जो भुट्टो का चलता रहा। देखें नसीब था किस्मत थी इंसान ने मेहनत की सब कुछ की पॉलिटिक्स का मतलब ही यही है सियासत है ना उर्दू में उसका मतलब है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट था नहीं एडजस्टमेंट हो सकती थी तो ये सब कुछ हुआ है। और मैं जानती हूँ कि मैं नहीं जानती बल्कि हमारी बुक्स कहती हैं कि ये बेहतर हुआ है लेकिन अगर सेकेंड लेग देखेंगे हम लोग जो हैं माशाल्लाह से बहुत ही पीछे हैं लोएस्ट कंट्रीज़ में हम आते हैं और बांग्लादेश की इकनॉमी हमसे बेहतर है सब कुछ हमसे थोड़ा ज़्यादा बेहतर है जबकि हम इकट्ठे ही आज़ाद हुए हैं तो इस चीज़ पर अगर हम कुछ लोगों का कहना है कि अगर यूनिटी होती तो हम लोग ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन सकते थे तो अगर उनको बस इतना कहेंगे कि ये हो गया है तो आगे बढ़ें और अब जो है कि आप ये चीज़ निकाल दें क्योंकि जब वो मैदान में आते हैं तो वो ये सोच के कहते हैं कि नहीं हमारे साथ इन्होंने पैड़ा किया था तो ये है वो है जबकि ऐसा नहीं है तो इस चीज़ को रख के अपने बिहाफ ऑफ टैलेंट के एक्सपीरियंस पे आगे आएँ। हमसे अगर कॉम्पिटिशन करना है तो एजुकेशन में कीजिए मेडिकल में कीजिए इन चीज़ों में हमसे टक्कर करनी है तो कीजिए तो देखेंगे हम कौन आगे है। और बाकी ये है कि ऑल द बेस्ट सबके लिए। बांग्लादेश जाते साथ आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं? बांग्लादेश जाने से जाकर सबसे पहले मैं उधर की फ़िश खाना पसंद करूंगा क्योंकि उधर की मछली सुना है काफ़ी मशहूर है और ज़्यादातर सर्दियों में जाना चाहिए सर्दियों में जाके फ़िश खाने का ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि आजकल जो है मौसम वैसे भी पाकिस्तान में थोड़ा सा सर्द हुआ है तो उधर भी ऐसे ही होगा क्योंकि मुझे लगता है उधर थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा होगी क्योंकि उधर हरियाली ज़्यादा है इस वजह से। और उधर के चावल सुना है वो भी काफ़ी ज़्यादा फसल चावल की होती है और चावल तो वैसे भी मुझे पसंद है। बांग्लादेश क्यों? क्योंकि ये हमारे हिस्सा है ना हमसे अलग नहीं हुआ सिर्फ एक नाम अलग है पाकिस्तान का हिस्सा ही हमारे हिस्सा ये हमारा हिस्सा ये। वहाँ जाके आप क्या करने वाली हैं? मैं उधर के लोगों से बातचीत करूँगी उनके कल्चर को देखूँगी कि हम में और उनमें अभी तक भी सिमिलैरिटीज़ हैं या वो लोग बदल गए हैं और वहाँ के फूड में जाके सबसे पहले क्या खाने वाली हैं? इनकी कोई डिश है मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता लेकिन मछली चावल इस टाइप का कुछ है तो मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी क्योंकि उसकी तो धूमें मची हुई है ना। अगर इन दोनों की कंट्री के वीज़े आपको दिए जाए तो आप कौन सी कंट्री में पहले जाना चाहेंगे? बांग्लादेश में। क्यों यार? उधर वैसे पहली बात मुसलमान कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है मुसलमान है ठीक है और दूसरी उनकी स्ट्रीट फूड्स बड़े पसंद है मुझे। अच्छा, पहले कभी गए हैं या उनके फूड्स ट्राई किए? नहीं लेकिन वीडियोस वगैरह देखते ना सोशल मीडिया का दौरा पानी होता होगा। हाँ आते हो पता नहीं बेल पूरी पता नहीं कौन कौन सी पूरी है उनकी बड़ी लैविश है ऊपर से हमें उसका फार्मिंग का भी बड़ा शौक है तो उधर मैंने देखा है कि काफ़ी वाफर मकदार में हैवी हैवी स्पीशीज होती हैं तो मैं पहले जाऊंगी बांग्लादेश। क्यों? बिकॉज बांग्लादेश जैसे इंडिया हमारे साथ वो एक मुखालफत करता है बांग्लादेश वैसे नहीं करता वहाँ के लोग अच्छे हैं और वहाँ जाएँ अच्छे से वेलकम होता है तो इंडिया में मेरे ख्याल से थोड़ी सी मुखालफत होती है तो वो दुश्मनी और ये सब कुछ। बांग्लादेश जाते ही सबसे पहले क्या करने वाली है? मैं बांग्लादेश को एक्सप्लोर करूँगी बिकॉज सुना है कि वहाँ बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को तो मैं वहाँ जाके एक्सप्लोर करना चाहूँगी बांग्लादेश को। बांग्लादेश को कोई पैगाम देना चाहते हो? बांग्लादेश को ये पैगाम देना चाहते हैं दिल से लव करते हैं नफरत ना फैलाएं ठीक है मोहब्बत है आपके साथ भी आप हमसे जुदा हुए हुए हिस्से हैं सारे तो एक दूसरे से मिल के रहें बाकी जो पॉलिटिकल लिहाज से सिचुएशन बन जाती है उसको थोड़ा दूर रखें। पैगाम तो यही है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल इंडिया के लोगों को ये पैगाम दूंगी कि आप भी बांग्लादेश के लोगों जैसा हो जाएं उन जैसा अच्छा से लुक करें और पाकिस्तान को कभी भी अपना दुश्मन मुमालिक ना समझे दुश्मन मुल्क ना समझो आप लोग। बांग्लादेशियों वी लव यू। बांग्लादेश के लिए यही मैं पैगाम देना चाहूँगा एक अच्छी कंट्री है और पाकिस्तान से अलग हुआ और बाद में यानी कि पाकिस्तान पहले ज़्यादा हुआ वो पाकिस्तान का हिस्सा था और उन्होंने तरक्की ज़्यादा कर ली इस टाइम वो पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और काफ़ी आगे निकल चुके हैं पाकिस्तान। बांग्लादेश को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अच्छे लोग हो और आप जो दिल में वही मुँह में हैं आपके और इसी तरह अपनी अच्छाई को कायम रखो और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो आप बस। थैंक यू सो मच।
तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि पाकिस्तानी बांग्लादेश को फर्स्ट चॉइस के तौर पे जानते हैं और बांग्लादेश जाना चाहते हैं, बांग्लादेश के अंदर मछली चावल खाना चाहते हैं, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से मिलना चाहते हैं, बांग्लादेश की खूबसूरती देखना चाहते हैं। तो ये मेरा भी ख्वाब है कि बांग्लादेश जाऊँ, बांग्लादेश की खूबसूरती देखूँ, बांग्लादेश को पूरी दुनिया को दिखाऊँ। तो आज अगर ये पाकिस्तानी भी बांग्लादेश जाना चाहती हैं तो ये आज के टाइम के नौजवानों की सोच है कि वो बांग्लादेश के बारे में क्या सोचती हैं। हिंदुस्तान जाने से बेहतर वो बांग्लादेश जाना चाहती हैं और बांग्लादेश की खूबसूरती देखना चाहती हैं, बांग्लादेशियों से मिलना चाहती हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का कल्चर एक ना सही, लेकिन लोगों के दिल एक हैं, लोगों की मोहब्बत एक है, लोगों के दरमियान में प्यार एक है। आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में, पाकिस्तानियों के सोच में बांग्लादेश की कदरों कीमत बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होगी। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को मौका मिले तो ज़रूर आना जाना पसंद करेंगे और हुकूमत से ये मेरी इल्तिजा है, ये दरख्वास्त है कि जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश जाना चाहते हैं इनके लिए वीज़े की पॉलिसी में नरमी की जाए और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में डायरेक्ट फ्लाइट चलाई जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया। Oh, oh, oh.